आप जो ये बिल्डिंग देख रहे हैं, ये गवर्नमेंट आयुर्वेदा कॉलेज कन्नूर का मेंस हॉस्टल है। आज मैं आप लोगों को गवर्नमेंट आयुर्वेदा कॉलेज कन्नूर के फ्रंट गेट पर लेके चलूँगा। कॉलेज का इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर भी दिखाऊँगा, उसके साथ साथ फर्स्ट ईयर की क्लास जहाँ पर चलती है वो भी दिखाऊँगा। आप वीडियो में देख सकते हैं कि हॉस्टल से कॉलेज कितना नज़दीक है। तो दोस्तों, अब मैं चलता हूँ कॉलेज की फ्रंट गेट की तरफ। दोस्तों, यह है कॉलेज का बैक गेट जहाँ से होकर हम लोग अपनी अपनी क्लासेस में जाते हैं। और ये सामने जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, ये लेडीज हॉस्टल है। यहाँ पर दो लेडीज हॉस्टल हैं, एक तो आपको पहले दिखाया, ये दूसरा है। मैं धीरे धीरे कॉलेज की फ्रंट गेट की तरफ चल तो रहा हूँ दोस्तों, लेकिन आप देख रहे होंगे कि रास्ते में कितना ज़्यादा प्लांट है। ये सारे प्लांट मेडिसिनल प्लांट हैं और हर प्लांट का किसी न किसी मेडिसिन बनाने में यूज़ किया जाता है। यही है कॉलेज का फ्रंट गेट। आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट आयुर्वेदा कॉलेज कन्नूर लिखा गया है। ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, वीमेन एंड चिल्ड्रेन हॉस्पिटल है, कॉलेज के जस्ट बगल में, इसलिए आपको दिखा रहे हैं। अदरवाइज इस कॉलेज का हॉस्पिटल बहुत बड़ा है, उसकी मुझे अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी। अब मैं कॉलेज के अंदर की तरफ जा रहा हूँ। सबसे पहले जब आप कॉलेज में एंट्री करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर गांधी जी की एक प्रतिमा लगी हुई है, ये देखिए। कॉलेज के अंदर ढेर सारे मेडिसिनल प्लांट लगे हुए हैं। ये सभी प्लांट किसी न किसी प्रकार की मेडिसिन बनाने में यूज किए जाते हैं और हर प्लांट की अपनी अपनी नेम प्लेट है। इसी तरह दूसरी साइड भी ये ढेर सारे मेडिसिनल प्लांट लगे हुए हैं। जब कोई आप में से यहाँ पर एडमिशन लेने आएगा तो सबसे पहले उसको ऑफिस की तरफ जाना होगा। तो आइए सबसे पहले हम आपको ऑफिस की तरफ लेके चलते हैं। आज संडे होने की वजह से ऑफिस तो बंद है, लेकिन कॉलेज की बालकनी से देखेंगे कि हमारा कॉलेज कितना अच्छा लगता है यहाँ से। अब मैं फर्स्ट ईयर की क्लास जहाँ पर चलती है उस तरफ चलता हूँ। आप देख सकते हैं कि फर्स्ट ईयर क्लास के सामने भी ढेर सारे मेडिसिनल प्लांट लगे हुए हैं। आज संडे होने की वजह से कॉलेज बंद है और ये फर्स्ट ईयर की क्लास यहीं पर चलती है। ये प्रिजर्वेशन रूम है जहां पर डेड बॉडी को केमिकल सॉल्यूशन के अंदर प्रिजर्व करके रखा गया है। अब मैं आप लोगों को लेकर चलता हूँ डिसेक्शन हॉल की तरफ, जहाँ पर डेड बॉडी का डिसेक्शन होता है। यहाँ पर फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट
बॉडी का डिसेक्शन करते हैं और इंटरनल ऑर्गन, डिफरेंट टाइप के इंटरनल ऑर्गन की रीडिंग करते हैं। एक्चुअली में जब दोस्तों कॉलेज अलाट हो जाता है तो उसके बाद हम सोचते हैं कि यूट्यूब पर देखें कि जो कॉलेज अलाट हुआ है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, वो देखने में कैसा लगता है। तो जब मेरा यही कॉलेज अलाट हुआ था तो मैं यूट्यूब पर चेक किया, मुझे कोई भी वीडियो नहीं मिल रहा था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो इस कॉलेज पर बनाया जाए। मैंने नॉर्थ इंडिया के मेडिकल कॉलेज को देखा है, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन मैंने किसी भी आयुर्वेदा मेडिकल कॉलेज को नहीं देखा। तो आप यदि आपने देखा हो तो कंपेयर करके बताइएगा कि यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा अच्छा लगा या नॉर्थ इंडिया के कॉलेजेस का। लेकिन एक चीज़ दावे के साथ कह सकता हूँ दोस्तों कि एजुकेशन के मामले में केरला का कोई जोर नहीं है। हाँ, यदि आपका कॉलेज यहाँ पर अलाट होता है, आपको लैंग्वेज की प्रॉब्लम हो सकती है, फूड की प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन अगर आपके अंदर डेडिकेशन है, आप आयुर्वेदा को बहुत अच्छा पढ़ना चाहते हैं, तो यहाँ से अच्छा कहीं और नहीं पढ़ सकते आप। इंडिया में भी आयुर्वेदिक कॉलेज काफ़ी अच्छे हैं, जैसे कि NIA जयपुर और BHU, लेकिन इन दोनों कॉलेज का कट ऑफ बहुत ही ज़्यादा होता है। यदि आपका नीट मार्क 550-560 आया है तो आप केरला में आकर पढ़ सकते हैं। लेकिन हाँ, एक बहुत बड़ी समस्या यहाँ पर फूड की होती है और लैंग्वेज की भी हो सकती है।